हसद एक मोहलिक मर्ज है, हसद शैतानी फितरत है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। हासिद अपनी आग में खुद जलता है, हासिद के तकलीफ दे रवैये को नजरअंदाज करें क्योंकि हासिद खुद काबिल रहम है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने खजाने से खूब नवाजता है जो किसी की कामयाबी और तरक्की पर हसद नहीं करता और न कभी झूठ बोलता है। हासिद की भलाई बदनीयती पर मबनी होती है। हसद एक नफ्सियाती मर्ज है और एहसास से कमतरी का रिश्तेदार है। कोई शख्स तीन चीजों से खाली नहीं है, बदगुमानी, हसद और बदफाली। बदगुमानी पर यकीन ना करें, बदफाली देखें तो उस पर एतबार ना करें, और जब हसद पैदा हो तो हाथ और जबान को उस पर अमल से बचाएं। हसद से रकाबत जन्म लेती है, ख्वा वो रकाबत माँ बाप से हो, भाई बहनों से या दोस्त अहबाब से हो। हसद एक बीमारी है जो इंसान के कल्ब और उसकी रूह को अज़ियत में मुब्तला कर देती है। हसद एक ऐसा एहसास है जो अपने रखने वाले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।